नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की भारत की तत्काल कोई योजना नहीं है, लेकिन अन्य देशों के साथ सीधे किए जाने वाले सौदे के लिए ये जारी रहेगा। इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर रोक हटाने से खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत द्वारा कुछ शर्तों के साथ कच्ची सोयाबीन व सूरजमुखी तेल से आयात शुल्क हटाने के बाद खाद्य तेल और सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत को संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, दक्षिण कोरिया, ओमान और यमन से गेहूं के संबंध में विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि यूएई ने हमारे राजदूतों के जरिए गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के संबंध में चिंता जताई है। टमाटर की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। मंडियों में भी टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक क्रेट टमाटर की कीमत 900 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच आ चुकी है। आने वाले समय में गेहूं और चीनी की कीमतें लोगों का खर्च ना बढ़ा दे, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन दोनों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में तब कहा गया था कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि चीनी उत्पादन के मामले में अब देश पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि निर्यात के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है। खाद्य एवं जन वितरण विभाग के संयुक्त सचिव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि साल 2022-23 में भारत ने ब्राजील से भी अधिक चीनी का उत्पादन किया है। सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता और कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन तक चीनी का निर्यात को सीमित कर दिया है। सरकार की जारी अधिसूचना के तहत 1 जून से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक निर्यात पर अंकुश प्रभावी रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार गेहूं की कीमतों में प्रति क्विंटल 500 रुपए तक का उछाल आया है। छत्तीसगढ़ में 2200 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला गेहूं 2500 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। सरकार की ओर से खाद्य तेल की कीमत पर अंकुश की तैयारी के बीच इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में पाम तेल आने से जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तेल व्यापारियों का कहना है कि देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले हफ्तों में उनकी कीमतों में और भी कमी आ सकती है। आज यानी 26 मई को सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 51,000 से नीचे आ गया है और वहीं सोने का दाम 183 रुपए सस्ता होकर 50,989 रुपए पर दिखा। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर सोना 79 रुपए की गिरावट के साथ 50,740 रुपए पर ट्रेड करता दिखाई दिया। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।